एंशियंट यूनिवर्सिटी इजिप्ट की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसकी शुरुआत सन 1950 में हुई और इसका शुरुआती नाम इब्राहिम पाशा यूनिवर्सिटी था। शुरुआत में इसने कायरो यूनिवर्सिटी और अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन यूथ के हायर एजुकेशन की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ईयर 1954 में इस यूनिवर्सिटी का नाम शुरुआत में हेलियोपोलिस और बाद में उसी वर्ष में एंशियंट यूनिवर्सिटी रख दिया गया। एंशियंट यूनिवर्सिटी एंशियंट मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक बहुत ही तारीखी अल नूर मॉस्क बिल्कुल अब्बासिया स्क्वायर पे इसके सामने है और उसके पीछे पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और इसके सभी हॉस्पिटल्स अब्बासिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कायरो गवर्नेट के बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और यही कारण है कि इतनी पुरानी पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो है। ये कैंपस कायरो में लोकेटेड है और इसके तीन फैकल्टीज और एक इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल हॉस्पिटल, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, लाइब्रेरी, साइंटिफिक सोसाइटीज और बहुत सारे मेडिकल यूनिट्स, ये सब एक ही जगह पर लोकेटेड है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज का वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ही हाई है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की पहचान होती है उसकी अपनी वर्ल्ड रैंकिंग। एंशियंट यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 801 से 1000 पोजीशंस में आती है, जबकि अगर हम इसे मेडिसिन सेगमेंट में देखें तो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में 301 से 350 के बीच में ये यूनिवर्सिटी आती है, यानी कि दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज में इसका नाम शुमार है। अरब रीजन की बात करें तो ये टॉप 14 यूनिवर्सिटीज में से आती है और इसकी अगर ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की बात करें तो भी ये 300 से लेकर 500 रैंकिंग के बीच में आती है। इस लिहाज से इसकी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो भी बहुत ही हाई है। अब अगर हम फैकल्टीज एंड इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन लगभग 6000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि 5 साल की मेडिकल शिक्षा और 1 साल और 2 साल की इंटर्नशिप के साथ अंडर ग्रेजुएट टीचिंग देती है और इसके साथ ही 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमास, मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन और मेडिकल डॉक्टरेट जैसी डिग्री की उपाधि यहां से प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज में बल्कि इसके साथ जुड़े हुए टीचिंग हॉस्पिटल में 1 साल में 10 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स को पूरी तरीके से निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। और इसी कैंपस में जुड़ा हुआ है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जो ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में कम्युनिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ नर्सिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में भी शिक्षा के अलावा बहुत ही उपयोगी सेवा एवं रिसर्च का कार्य किया जाता है। एंशियंट यूनिवर्सिटी की लीगेसी अब 73 इयर्स से भी ज्यादा लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये यूनिवर्सिटी नए कीर्तिमान छू रही है। 82 से भी ज्यादा इंटरनेशनल एंड लोकल अवार्ड्स को जीतने के बाद 5800 स्टाफ मेंबर्स और 7000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके अलावा 1000 स्टूडेंट्स लगभग हर साल यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्कूल का आंकड़ा है। वहीं अगर पूरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए
तो आज 190,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, जिसमें से 10,000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि 40 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और 12,000 के आसपास टॉप वर्ल्ड रैंकिंग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये यूनिवर्सिटी आज स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। एक मेडिकल स्कूल का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका एजुकेशनल हॉस्पिटल, जहां पर सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का एजुकेशनल हॉस्पिटल, जिसमें इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी, इसके अंदर बहुत ही विशाल आउट पेशेंट क्लिनिक और इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये हॉस्पिटल आज 4,500 बेड का हॉस्पिटल है, और इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स में, और एक साल में लगभग 20 लाख पेशेंट्स को ये पूरे इजिप्ट से सर्व कर रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं। और इस हॉस्पिटल को रन किया जा रहा है हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ट्रेन्ड टीम द्वारा। इसके अलावा और भी कई हॉस्पिटल इसके कैंपस एरिया के अंदर ही सुपर स्पेशलाइजेशन फैसिलिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। एंशम्स यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल 1984 में बना, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल है, और ये सभी तरीके की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ना सिर्फ इजिप्ट के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया से पेशेंट्स यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। कार्डियक सर्जरी अकेडमी, कार्डियक सर्जरी अकेडमी एक इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो कि एंशम्स यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, और इसमें 400 से भी ज्यादा बेड हैं, जिसमें आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स भी हैं, और ये मूल रूप से कार्डियक सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसके अंदर कार्डियक हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इस हॉस्पिटल में एक्सटेंडेड मॉड्यूलर प्रोग्राम, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, इनकी फोर्थ और फिफ्थ की क्लिनिकल साइंसेज की क्लासेस भी यहीं कंडक्ट की जाती है। इसके साथ ही अटैच्ड हॉस्पिटल, जिसके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंट इनफ्लो है, जो कि स्टूडेंट्स को देता है एक बहुत ही बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर और बनाता है उनको एक बेहतर डॉक्टर। सबसे अच्छी बात यह है कि इजिप्ट में आप अगर क्लिनिकल रोटेशन कर रहे हैं या आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि एक स्टूडेंट को बेहतर अनुभव मिल पाते हैं और उसको एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिल पाता है। और यही खास बात है इजिप्ट की एजुकेशन की, क्योंकि ये बहुत पुरानी वर्ल्ड क्लास हाई रैंकिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट फंडेड हैं, और इसके साथ साथ शहर के बिल्कुल बीच होने के कारण इनके अंदर पेशेंट इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही आधुनिक है। तो इसलिए एंशम्स यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एनहांसमेंट डिपार्टमेंट इस हॉस्पिटल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहा है। और ये है एंशम्स का पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1933 में हुआ था। बिल्डिंग में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं और इसका एक्सटेंशन वर्क भी कंटिन्यूस चल रहा है। और इसके अलावा ये है पूरा इंडिपेंडेंट ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक हॉस्पिटल, जिसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लैस किया जा रहा है और इसका कंटिन्यूस अपग्रेडेशन भी साथ में किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। फिलहाल सभी हॉस्पिटल्स को मिलाकर एंशम्स के अंदर 4,500 बेड्स की कैपेसिटी है, और यही वजह है कि यहाँ से दुनिया के बहुत ही नोटेबल फैकल्टी ग्रेजुएट्स निकले, जिन्होंने जाकर पूरी दुनिया में इस कॉलेज का और इजिप्ट का नाम रोशन किया, जिसमें वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर्स, नोटेबल वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और अलग अलग मेडिकल संस्थाओं में इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अध्यक्षता करने वाले, और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी से इजिप्ट और काफ़ी इंटरनेशनल फेम लेवल के नोटेबल फैकल्टी ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं, जो आज अपनी सेवाएं दुनिया के अलग अलग बेहतरीन हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेट ऑफ आर्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स भी हैं, जिसमें इंटरनल मेडिसिन, गेरियाट्रिक्स, सर्जिकल, ट्रॉमा एंड सर्जिकल, न्यूरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी, कॉरनरी, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, बर्न्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, न्योनेटल, ये सभी अलग अलग इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस मेडिकल स्कूल का सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और ये एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करने का मौका देता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी
डिफरेंट डायमेंशंस को एक साथ जोड़कर चलता है, जहां पर एक स्टूडेंट को एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं एंशैम्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की। एंशैम्स यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंट हॉस्टल हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इन्हीं हॉस्टल्स में रुकते हैं। इसी इस हॉस्टल के अंदर मेस फैसिलिटी भी है। स्टूडेंट को हॉस्टल के साथ साथ मेस फैसिलिटी भी लेनी पड़ती है और हॉस्टल के पास ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है। ये हॉस्टल प्रीमाइसेस स्कूल कैंपस से थोड़ी सी दूरी पे बना हुआ है और यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ही अच्छी वेल कनेक्टेड मेट्रो और बस सर्विसेज अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में ही फुल्ली इक्विप्ड ई लाइब्रेरी और एक विशाल लाइब्रेरी है, जिसमें पूरी दुनिया के इंग्लिश मीडियम में बुक्स, जर्नल्स और सभी एडवांस रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है। साथ में ही आपको ई लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलती है, जिसमें आप अपने इंडिविजुअल चैम्बर्स लेकर पूरी मेडिकल आर्काइव चेक कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड्स भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। यहाँ का बुक्स और स्टडी मटेरियल पूरा आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है और ज़्यादातर बुक्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और यहाँ के प्रोफेसर्स द्वारा ही लिखी गई हैं और उनको बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट लिखा गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है। और अगर हम कॉस्ट वाइज भी बात करें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये था मेरा सबमिशन एंशैम्स यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बातचीत की। इसके अलावा हमने इजिप्ट के लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें कायरो, मंसूरा, अलेक्जेंड्रिया और बाकी यूनिवर्सिटी के भी हॉस्टल, कैंपसेस, सभी के डिटेल्ड सिलेबस और बाकी सब डिटेल्स के बारे में भी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम कमिटेड हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। हम आपको उन्हीं कॉलेज और उन्हीं मेडिकल एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे जो NMC गजट के अनुसार पूरी तरीके से सही और फिट बैठती है। इसके अलावा हमारा ये कमिटमेंट है कि हम स्टूडेंट को वही जानकारी देते हैं जो पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो और स्टूडेंट अपने सपनों को पूरा कर पाए, जिसके बाद वो जो डॉक्टर बनने का उसने सपना देखा है USMLE, प्लैब, नेक्स्ट जैसे लाइसेंसिंग एग्जाम्स को क्लियर करके वो सपना भी वो अपना जल्द से जल्द पूरा कर सके। इस कमिटमेंट के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। गुड बाय एंड बी हैप्पी।